एक्साइटिंग ब्लॉग ऑफ डी कपल आज मैं आपको ले जाऊंगी जयपुर जयपुर में हमने वैसे तो तीन दिन गुजारे थे लेकिन हमने इफेक्टिवली एक ही दिन घूमा था तो मैं आपको उसी एक दिन के बारे में बताऊंगी कि आप एक दिन में जयपुर में क्या क्या कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे आपको मेरी आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहे तो अब देख इस बात की लेट चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन चीजें जयपुर से रिलेटेड सबसे पहले हाउ टू रीच तो क्योंकि जयपुर राजस्थान का कैपिटल है तो वहां बाय ट्रेन बाय एयर और बाय कार तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप पहुंच सकते हैं सेकेंड थिंग इज बेस्ट टाइम टू विजिट तो जयपुर का बेस्ट टाइम होता है नवंबर से मार्च के बीच में क्योंकि तब दिल्ली में बहुत ठंड हो रही हो और जयपुर में वेदर बहुत प्लेजेंट होता है तो घूमने में मजा आता है लेकिन वैसे आप जयपुर ऑल ईयर इराउंड जा सकते हैं कोई ऐसा ऑफ सीजन ऑन सीजन जैसी चीज नहीं होती है जयपुर में दोनों लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश यूज होती है तो आपको वहाँ पे कम्युनिकेट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हमारा तीन दिन का लीजो ट्रैवल था हम लोग सैटरडे मॉर्निंग अराउंड 11 ए एम निकले थे और हम लोग सिक्स सिक्स थर्टी जयपुर पहुँच गए थे रादर अपने होटेल में पहुँच गए थे तो बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं थी मज़ा आया था हाईवेज पे लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी टिप होटेल हमने वहीं पे जाके बुक किया था वो इसलिए क्योंकि बहुत बार होता है अगर आप शाम में बुकिंग करते हो तो आपको अपग्रेड्स मिल जाते हैं तो इसलिए हमने शाम में बुकिंग की थी और हमें बहुत अच्छा अपग्रेड मिल गया था सेकेंड थिंग जब आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो तो आपको रोड साइड ढाबे और रेस्टोरेंट्स मिल सकते हैं खुले हुए लेकिन जब आप जयपुर से दिल्ली वापस आते हो तो आपके लिए वो ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं एक या दो ही रेस्टोरेंट्स खुले हुए थे तो आई विल सजेस्ट कि आप जयपुर से दिल्ली जब वापस आ रहे हो तो आप अपने पास थोड़े बहुत फूड आइटम्स ड्रिंक आइटम्स जैसे फ्रूटी पानी अपने साथ लेके चलिए क्योंकि दे पॉसिबिलिटी तो आपको कोई अच्छा ढंग का रेस्टोरेंट ना मिले खाना खाने के लिए सेकेंड थिंग यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डेली से जयपुर जा रहे हो तो आप प्लीज जयपुर से डेली आने वाली रोड पे ध्यान रखना कि कहीं वहां पे किसानों ने धरना तो नहीं रखा हुआ कोई हाईवे ब्लॉक या बंद तो नहीं है और अब चलते हैं हम अपने रूम टूर पे तो हम लोगों ने होटल रॉयल ऑर्च में प्लंज रूम बुक किया था ये वैसे तो एलेवन थाउजेंड पर नाइट का रूम है बिकॉज इट हैज़ अ प्राइवेट स्विमिंग पूल पर हमें काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में मिल गया था जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा हम लोगों ने बुकिंग नहीं कर रखी थी तो अपग्रेड्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप उसी वक्त होटेल्स पे जाके बुकिंग करो स्पेशली इस कोविड टाइम में जब ऑलरेडी लोग बहुत कम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम लोगों ने वो पूल ले लिया एंड हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उस प्राइवेट स्विमिंग पूल में जैसे कि आप देख भी सकते हैं रूम बहुत सुंदर था देर वॉज अ बार टब देर वॉज़ अ प्राइवेट पूल एंड एंडवानिया और हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया इनफैक्ट हमने पूरा आधा दिन सिर्फ और सिर्फ पूल इन्जॉय करने के लिए रखा था इसलिए मैंने आपको कहा कि हमने इफेक्टिवली जयपुर सिर्फ एक ही दिन में घूमा है क्योंकि बाकी आधा दिन तो हम पूल ही इंजॉय कर रहे थे तो अब हम क्योंकि होटल पहुंच गए और हमें बहुत भूख लगी है तो हमारे पास दो ऑप्शन थे या तो हम चौकीधानी चले जाते हैं या हम थोड़ी सी नाइट लाइफ एंजॉय करते जयपुर की हम लोगों ने चौकीधानी इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि कोविड के चलते वहां एक्टिविटीज बहुत लिमिटेड हो गई थी तो हमें लगा कि क्यों ना हम फिर कभी जब जयपुर आएंगे तब इंजॉय कर ले इसलिए हम अभी नाइट लाइफ एंजॉय करने चले गए जयपुर में बहुत ज्यादा नाइट लाइफ है नहीं वहाँ पे ज्यादातर कैफेज हैं जहाँ आप बैठ के इंजॉय कर सकते हो लाइव म्यूजिक हम लोगों ने यूफोरिया कैफे एंड लाउंज में गए और हमें बहुत मजा आया वहाँ पे एंड वहां पे खाना आई गेस पहली बार कोई कैफे होगा जहाँ पे मुझे सब कुछ पसंद आया जो जो मैंने ऑर्डर किया सब कुछ इतना टेस्टी लग रहा था कि हम हमारा मन ही नहीं भर रहा था वहाँ खाना खाने से तो हमने वहाँ बहुत इंजॉय किया इनफैक्ट वानिया ने भी बहुत इन्जॉय किया और उसके बाद हम आ गए अपने होटल होटल में फिर हमने अपने पूल में थोड़ा बहुत इंजॉय किया और हम सो गए अगले दिन मॉर्निंग में जैसे हम लोग लीजर ट्रैवल के लिए आए थे तो हम लोगों ने बहुत हड़बड़ी नहीं दिखाई घूमने के लिए संडे था हमने अपना आराम से ब्रेकफास्ट किया नहाए धोए एंड देन हम निकले जब हम निकल रहे थे तो हमें होटल स्टाफ ने बोला कि काफ़ी मॉन्यूमेंट्स बंद हो सकते हैं ड्यू टू कोविड सिचुएशन तो आई विल सजेस्ट यू कि किसी भी मॉन्यूमेंट के पास जाने से पहले आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिए और या वहां पर कॉल करके देख लीजिए कि वो जगह खुली है कि नहीं है तो हमने गूगल पे चेक कर लिया तो हमें पता चला था हवा महल खुला हुआ है तो हम हवा महल की तरफ निकल गए थे जब हम हवा महल पहुंचे तो हम लोग पार्किंग ढूंढ रहे थे जब हमें एक बंदा मिला और उसने कहा कि वो गाइड है और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है और वो हमें पांच जगह घुमाएगा तो हम लोगों ने उसका कार्ड वार्ड देखा है, हमें ठीक ठाक ही लग रहा था तो हमने कहा चलो ठीक है आप हमें घुमा देना तो वो बंदा हमें हवा महल की जगह हमें पहले तो ले गया एक राज एम्पोरियम उसने बोला कि सारी बापू बाज़ार और जोरी बाजार सब बंद रहेगा एंड एक्चुअली में बंद था संडे को क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्तनों की दुकान खुली हुई थी बाकी सारी दुकानें बंद थी तो हमें लगा कि शायद सही, सही कह रहा होगा कि साढ़े बारह एक बज चुका था तो अगर दुकानें खुलनी होती तो अब तो खुल जानी चाहिए थी तो बंद थी तो वो पहले हमें एक एम्पोरियम ले गया उसने कहा ये गवर्नमेंट एम्पोरियम है अब यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग कर लो तो हमने अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग करी जो हमें करनी थी और उसके बाद वो हमें ले गया मैडम तुस् जयपुर का मैं जयपुर पहले भी आ चुकी हूँ तो मैंने कभी मैडम तो साथ का नाम नहीं सुना था तो इसलिए मुझे थोड़ी सी क्यूरॉसिटी भी हुई तो हम लोग वहाँ चले गए आई विल सजेस्ट कि आप लोग मत जाइए वहाँ पे क्योंकि वहाँ बिल्कुल वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है और कोविड सिचुएशंस में वहाँ जाना इज नॉट राइट हाउ एवर वहाँ पर मिरर मेज़ और दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे ये जो भूल भले टाइप चीज़ें हैं तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ज़रूर मज़ा आएगा लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम हो तभी जाइएगा नहीं तो वो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं अब शॉपिंग और मादम तो साज के बाद हम लोग हवा महल गए नीडलेस टू से वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एक सेल्समैन uh, था और वो अपना यू नो कमीशन चाह रहा था तो वो हमें हवा महल में बीच में छोड़ के भाग गया क्योंकि उसकी कमाई हो चुकी थी और उसने हमें बिल्कुल हवा महल या कुछ नहीं घुमाया तो आई वुड लाइक टू से कि आप कोई भी गाइड किसी भी मोन्यूमेंट के बाहर से नहीं बुक करना क्योंकि वो एक्चुअल गाइड्स नहीं होते दिस इज़ द राइट आईडी फॉर अ गवर्नमेंट गाइड गवर्नमेंट अप्रूव गाइड्स आपको हवा महल के अंदर से ही मिलेंगे या सिटी पैलेस के अंदर से मिलेंगे आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप लोग गाइड ज़रूर लीजिए क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट बहुत कम हो गए इंडिया में और गाइड्स के लिए यही एक ज़रिया होता है अपनी इनकम कमाने का तो आई सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ गाइड ज़रूर लीजिएगा लेकिन एक गवर्नमेंट अप्रूव गाइड के साथ ही जाइएगा नहीं तो आप ठगे जा सकते हैं नाउ कमिंग बैक टू हवा महल तो हम हवा महल पहुंचे हवा महल की वजह से ही पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को क्योंकि उसके आसपास की सारी जगह को पिंक किया गया है एंड हवा महल रानियों के लिए बनाया गया था सो so दैट कि जब राजा एंटर करे जयपुर में तो रानियों को पता लग सके और रानियां ऊपर से देख सके राजा को और कोई और रानियों को ना देख सके तो इसलिए ये बनाया गया था और हवा महल एक्चुअली में बहुत कूलर है कंपेयर टू ऑल ऑफ द जयपुर वहाँ इतनी ठंडी हवाएं चलती हैं कि वहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लग रहा था इंस्पाइट ऑफ इतनी गर्मी हमें जे, हवा महल के अंदर अच्छा लग रहा था हवा महल के एकदम सामने एक टाटू कैफे है जहाँ से आप हवा महल की इस तरह से प्रॉपर फोटो ले सकते हैं आफ्टर हवा महल भी वेंग टू सिटी पैलेस वो हमारा एक ही गाइड था जो हमें सिटी पैलेस भी ले गया और उसने हमें पूरा सिटी पैलेस घुमाया सिटी पैलेस में पहले भी घूम चुकी थी एंड आई विल एक्चुअली सजेस्ट यू कि आप प्लीज़ वो 2000 वाली टिकट लीजिए जहाँ पे वो आपको राजाओं का बेडरूम ड्राइंग रूम सब दिखाते हैं अंदर पूरा पैलेस का टूर कराते हैं बिकॉज जो नॉर्मल टिकट है उसमें आपको सिर्फ म्यूजियम्स में लेके जाएंगे एंड मुझे स्पेशली म्यूजियम में बहुत मज़ा नहीं आया देवेश को बहुत अच्छा लगा एंड देवेश मानिया बहुत इन्जॉय कर रहे थे पर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद नहीं आ रहा था म्यूजियम uh, मैं क्योंकि पहले पैलेस घूम चुकी थी जब मैं चार पाँच साल पहले गई थी तो मुझे उसमें बहुत मजा आया पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था तो हमने लिया नहीं लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो वो दो वाली टिकट लेना वो डेफिनेटली वर्थ इट है आपको बहुत मजा आएगा ये देख के कि एक्चुअल में रॉयल फैमिली कैसे रहती है एंड क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रह रही है रॉयल फैमिली तो और भी मजा आएगा ठीक है अब चलते हैं जंतर मंतर जंतर मंतर सिटी पैलेस के एकदम अजसंट है तो वहां पे जाना बहुत डिफिकल्ट है नहीं लेकिन हम लोग जंतर मंतर नहीं गए थे क्योंकि चार बज गए थे हमें बहुत भूख लग रही थी और हमें प्लंज पूल भी इंजॉय करना था इसीलिए वी हेरेड बैक टू अर होटेल पर आप लोग डेफिनेटली जंतर मंतर जाइए कहते हैं कि जयपुर का जंतर मंतर दिल्ली के जंतर मंतर से बहुत बेहतर है लेकिन जंतर मंतर में भी गाइड ले जाना मत भूलना क्योंकि अगर आप बिना गाइड के जाएंगे तो आपको वो सब कुछ आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है वो सन क्लॉक क्या है या वो क्यों रखा गया है आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला आई लेस एंड यू ऑलरेडी नो द हिस्ट्री और यू ऑलरेडी नो अबाउट जंतर मंत्र तो आई थिंक एंड आई प्रेफर गाइड्स विद मी वेनेवर आई ट्रेवल एंड वेनेवर आई कैन अफोर्ड सो दैट इज़ ऑल्सो बिग पॉइंट टू कंसिडर अब हम अपने होटल पा आ गए हैं हमने होटल में ही लंच ऑर्डर किया खाना मैं बहुत अच्छा नहीं खाऊँगी मैं बहुत बुरा भी नहीं खाऊँगी पर जिस तरह से वो प्राइज्ड था आई थिंक यू कैन एक्चुअली स्किप लंच इन द होटल एंड यू कैन यू नो गो आउटसाइड वहीं पे एक चावलास था तो आप वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं हम लोगों ने अपना डिनर वहाँ किया था और हमें वो बहुत अच्छा लगा तो आप अपना लंच भी वहाँ पे कर सकते हैं हाउ एवर आउटसाइड ईटरीज़ वर नॉट अलाउड इन द होटल तो आपको बाहर ही जाके खाना पड़ेगा स्विगी जोमैटो अलाउड नहीं था बट दीज गाइडलाइंस कीप ऑन चेंजिंग तो आप वहाँ पे होटल से कन्फर्म कर सकते हैं कि वेदर यू कैन ऑर्डर फूड और नो। एक चीज़ तो मुझे हमारे होटल की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने हर रोज़ वहाँ पे ये पपिट शो ऑर्गेनाइज़ कर रखा था तो मैं वानिया को लेके हर रोज़ वहाँ पहुँच जाती थी या हम वो पपिट शो देखते थे प्लस वहाँ पे छोटा सा बाजार भी लगा हुआ था जहाँ पे आप ये पपिट डॉल्स और जूतियाँ एंड बाकी रीजनल जा राजस्थानी चीज़ें खरीद सकते थे तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी एंड इट वाज एक्चुअली फ़न विद वान्या नाउ वी विल बी हेडिंग बैक टू डेली बट डेली पहुंचने से पहले हम लोगों को आमिर फोर्ट कवर करना था जयपुर में तीन मेजर फोर्ट्स है नाहरगढ़ फोर्ट जयगढ़ फोर्ट एंड आमिर फोर्ट ये तीनों फोर्ट्स अपने आप में बहुत सुंदर है तीनों में बहुत सुंदर सुंदर आपको सीनरीज़ मिल जाती है जयपुर में लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आई वल सजेस्ट यू कि आप आमेर फोर्ट जाइए आमेर फोर्ट में बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है और वो बहुत सुंदर है जोधा अकबर बाजीराव मस्तानी पदमावत सब यहीं पर शूट हुए हैं दबंग में भी दबंग थ्री एंड धड़क मूवी वो सब यहाँ शूट हुई हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा आमिर फोर्ट के आसपास भी बहुत छोटी छोटी जगहें हैं जो आई थिंक बहुत ही सुंदर हैं जैसे पन्ना मीना का कुंड पन्ना मीना का कुंड एक बहुत ही सुंदर स्टेपवेल है और ये आपने बहुत सारी मूवीज़ जैसे पहेली और धड़क में देखा ही होगा मुझे तो पहले लगता था कि ये एक सेट है जो बॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ किया जाता है मुझे यहाँ पहुँच के पता लगा कि नहीं ये एक्चुअल में जगह है और ये बहुत ही सुंदर जगह है देखने में आप देख ही सकते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर आमिर फोर्ट राजपूत महाराजा और उनकी रानियों के रहने का महल था और इसमें आम दीवान खास के साथ एक शीश महल भी है जो कि बहुत सुंदर है और मैं आपसे कहूँगी कि आप वो ज़रूर 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 देखिए आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कितना सुंदर दिखता है शीश महल के साथ यहाँ पे सुख निवास भी था जहाँ पे रानियाँ आराम करती थी क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ठंडा रहता था आसपास के पानी के ऊपर चलती हुई हवाओं की वजह से आमिर फोर्ट में जितने भी कलर्स हैं वो सारे नेचुरल कलर्स हैं और तब के हैं और इनमें अभी तक कोई भी रीपेंटिंग नहीं हुई है तो आप देख सकते हैं कितने कितने सुंदर हैं ये कलर्स ओवरऑल आमिर फोर्ट एक डेफिनेटली टूरिस्ट स्पॉट है मस्ट विज़िट टूरिस्ट स्पॉट है और आई गेस आप सभी को एक बार तो ज़रूर आना ही चाहिए आपको मेरा जयपुर का ये व्लॉग पसंद आया होगा और आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करेंगे मैं अब आपसे अलविदा लेती हूँ और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू